हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए UPNHM स्टाफनर्स एग्जाम 2020 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज में पार्ट 17 वीडियो पार्ट नंबर 17। इससे पहले 16 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ। अगर ये वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और UPNHM स्टाफनर्स एग्जाम 2020 के नाम से फोल्डर बना हुआ, उसके अंदर सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, आप उनको देख लीजिए। ओके, तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अगर इस चैनल पे आप नए विजिट किए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। और अभी से वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि ये वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट और अपने फ्रेंड के साथ शेयर। तो फ्रेंड देखते हैं इसमें कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सबसे पहले है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, संक्रमण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो संक्रमण की कितनी, चार अवस्थाएँ होती हैं। ओके, एंड नेक्स्ट हमारा है डिप्थीरिया की उद्भवन अवधि कितनी होती है? तो डिप्थीरिया की इनक्यूबेशन पीरियड होता है 2 से 5 दिन। और ये कैसे किससे होता है? ये माइकोबैक्टीरियम नाम के एक जीवाणु होता है, उसके उस वजह से ये होता है। और ये आपके गर्दन जो आपका रहता है गले में जो मेम्ब्रेन होती है उसको अफेक्ट करता है। और ये मुख्यतः बच्चों को होता है और इसका इनक्यूबेशन पीरियड होता है 2 से 5 दिन। एंड नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, मलेरिया किस प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा होता है? तो ये मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम नामक प्रोटोजोआ से होता है। और इसकी मलेरिया परजीवी की खोज किसने करी थी? इसकी खोज करी थी रोनाल्ड रॉस ने। ओके, रोनाल्ड रॉस ने इसकी खोज करी थी। और इसमें क्या होता है मलेरिया में, मलेरिया से इफेक्ट जो होता है उन जो व्यक्ति होते हैं उनको बहुत ही तेज़ बुखार आता है और बहुत ज़्यादा ठंडक लगती है। और ये परजीवी क्या करता है, जो व्यक्ति ह्यूमन बॉडी में जो स्प्लीन होती है जिसको हिंदी में तिल्ली कहते हैं और RBCs को अफेक्ट करती है। और स्प्लीन को मानव शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। ये आपको मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी। एंड नेक्स्ट हमारा है फोर नंबर क्वेश्चन, ये है निक्रोसमाइट की गोली किस समस्या के लिए दी जाती है? तो ये टेपवर्म के लिए दी जाती है। और जो बच्चों के पेट में टेपवर्म हो जाते हैं उनको ख़त्म करने के लिए, उनके उन्मूलन के लिए ये गोली निक्रोसमाइट की गोली दी जाती है। और नेक्स्ट हमारा है, बच्चे के जन्म के बाद उसके शरीर पर लगा गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ क्या कहलाता है? तो ये पदार्थ वर्निक्स कैसियोसा कहलाता है, जो कि बच्चे के जन्म के बाद उसके शरीर पर लगा होता है उसको वर्निक्स कैसियोसा कहते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा है, प्लेसेंटा का निर्माण कब पूर्ण होता है? तो प्लेसेंटा का निर्माण पूर्ण होता है 12वें सप्ताह में। ओके, एंड नेक्स्ट हमारा है, वो स्त्री जिसने कभी बच्चे को जन्म ना दिया हो, ठीक है, और तो गर्भाशय का भार कितना होगा? तो होगा 50 ग्राम 50 ग्राम। एंड मॉर्निंग सिकनेस कब प्रारंभ होती है? मॉर्निंग सिकनेस 4 से 8 सप्ताह पे मॉर्निंग सिकनेस प्रारंभ होती है। और उस कंडीशन में गर्भवती महिला को क्या हो, वोमिटिंग फील होती है और सुबह जगने पे मॉर्निंग में उसको काफ़ी थकान महसूस होती है और वोमिटिंग महसूस होती है, तो उस कंडीशन को ही मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। और नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, गर्भावस्था के दौरान प्रेगनेंसी के दौरान लगाए जाने वाले TT के वैक्सीन्स की संख्या, टीकों की संख्या कितनी होती है? तो ये 2 वैक्सीन लगाए जाते हैं पूरी गर्भावस्था प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान, 2 वैक्सीन दी जाती हैं TT की। एंड नेक्स्ट हमारा है,
प्रथम गर्भवती महिला में सामान्यतः प्रसव की कुल कितनी अवधि होती है? तो ये 14 से 16 घंटे इसकी अवधि होती है। एंड नेक्स्ट हमारा है 11th क्वेश्चन हमारा है, एक महिला में अंडोत्सर की प्रक्रिया प्रायः कब घटित होती है? तो एक महिला में अंडोत्सर की प्रक्रिया प्रायः मासिक चक्र के 14वें दिन घटित होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्लेसेंटा का व्यास कितना होता है? तो प्लेसेंटा का व्यास होता है 18 से 20 सेंटीमीटर। एंड नेक्स्ट हमारा है 13 क्वेश्चन, इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया किस दिन प्रारंभ होती है? ये फर्टिलाइजेशन के 6ठे से 7वें दिन, निषेचन के 6ठे से 7वें दिन, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में जब ओवम फर्टिलाइज्ड हो जाता है स्पर्म से मिल के, तो उसके बाद वहाँ से 6ठे से 7वें दिन जो ओवम है वो यूट्रस की तरफ बढ़ता है और उसकी यूट्रस की दीवार में, उसके वॉल में वो इम्प्लांट हो जाता है। तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे? आरोपण, इम्प्लांटेशन। एंड नेक्स्ट हमारा है 14 नंबर क्वेश्चन, गर्भाशय का आकार कैसा होता है? तो गर्भाशय का आकार होता है आपका नाशपाती के आकार का, गर्भाशय का आकार नाशपाती के आकार का होता है। एंड नेक्स्ट हमारा है, आशा द्वारा किए जाने वाले कार्य कौन से हैं? तो आशा के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो है अपने क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल करना, ठीक है, तो प्रेग्नेंट महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल करना, यानी कि वो उनको मोटिवेट करती है कि आप अपने स्वास्थ्य केंद्र पे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और जो भी आपका CHC या PHC या सब सेंटर हो वहाँ पर जाइए और चिकित्सक डॉक्टर से मिलिए, और जो भी आपके TT के वैक्सीन लगने हैं, जो भी चीज़ें हैं आपको फॉलिक एसिड या उससे रिलेटेड जो भी है आप वहाँ से अपना कंसल्ट कर सकती हैं डॉक्टर से, और क्या करती है ANM को टीकाकरण में सहयोग करती है। और थर्ड है जन समुदाय को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना, यानी हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो उनको बताना, अवेयर करना, ये आशा के काम है। और आशा के नियुक्ति की जाती है किसी क्षेत्र में 1000 की जनसंख्या पर, यानी कि 1000 की जनसंख्या पर एक आशा की नियुक्ति की जाती है। और आशा का फुल फॉर्म होता है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है। एंड नेक्स्ट हमारा है, मातृ मृत्यु के कारणों में शामिल है, यानी जो माता है अब वो मातृ मृत्यु के कारणों में शामिल क्या है? तो ये है रक्तस्राव और एनीमिया और एक्लेम्पसिया और प्री एक्लेम्पसिया। तो यानी जो मातृ मृत्यु है उसको किन कारणों से अधिकतया होती है? तो ये होती है एक तो रक्तस्राव, जैसे कि इंग्लिश में हेमरेज कहेंगे, एंड नेक्स्ट है हमारा एनीमिया, जैसे कि मोस्टली होता है भारत में, मोस्टली प्रेग्नेंट महिलाओं में एनीमिया की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, यानी उनमें हीमोग्लोबिन कम होता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। एंड थर्ड है एक्लेम्पसिया और प्री एक्लेम्पसिया, इन कंडीशंस की वजह से माताओं की मृत्यु ज़्यादा होती है। ओके, एंड नेक्स्ट हमारा है 17 क्वेश्चन, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम का अर्थ क्या है? हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम वो अवस्था है जिसमें प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक बहुत ज़्यादा उल्टी होती है, और इसकी वजह से क्या होता है, महिला का स्वास्थ्य अफेक्ट होता है, प्रभावित होता है, और इस स्थिति को क्या कहेंगे? हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम। एंड नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है, सर्जिकल प्रक्रिया के दौरान महिला के गर्भाशय को बाहर निकाल देना क्या कहलाता है? ओके, यानी कि सर्जरी के हेल्प से महिला के यूट्रस को बॉडी से बाहर कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, प्रोसेस को क्या कहेंगे? ये होगी हिस्टेरेक्टोमी। ओके, हिस्टेरेक्टोमी इस कंडीशन को कहेंगे। एंड नेक्स्ट हमारा है 19 क्वेश्चन, ओलिगो
मेनोरिया से क्या अर्थ है? पोलिगो मेनोरिया से अर्थ है मासिक चक्र की अवधि का बढ़कर 35 दिन से अधिक हो जाना। ओके, मासिक चक्र की अवधि का बढ़कर 35 दिन से अधिक हो जाना, तो इस कंडीशन को कहेंगे ओलिगो मेनोरिया। एंड नेक्स्ट हमारा है, सामान्य प्रसव की स्थिति की अवस्था में नवजात को स्तनपान प्रसव के कितने समय बाद प्रारंभ कर देना चाहिए। ओके, यानी सामान्य प्रसव की स्थिति में एक न्यू बॉर्न बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कितने समय में प्रारंभ कर देनी चाहिए, तो वो जन्म के बाद प्रसव की स्थिति के बाद आधे घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। ओके, तो फ्रेंड्स ये रहे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये है आपका पार्ट नंबर 17। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसे वीडियोस पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपकी कुछ क्वेरीज हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है, आप पूछ सकते हैं। मैं मोस्टली सभी लोगों का रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। अगर कोई चीज़ कन्फर्म नहीं है तो मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देता हूँ, और जो भी सही बात होती है वो मैं वही आपको बताता हूँ। और जब तक मुझे क्लियर नहीं होता है तब तक मैं ऐसे कहता भी नहीं हूँ। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे चैनल के साथ और पढ़ते रहिए, और आप एग्ज़ाम में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।